अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अमाशा, दिस इज माय न्यू व्लॉग, होप यू लाइक इट। चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और अभी आप जहाँ देखे मुझे पहचान रहे होंगे, क्योंकि हर दफ़ा जब भी मैं कहीं पे जाता हूँ तो मैं नए कपड़े पहनता हूँ। और ये तो मेरे, आप जानते हैं, मामू वही लेके आए हैं हॉलैंड से, यानी कि गिफ्ट मिला है, देख सकते हैं आप। और अभी तो आपको मैं बताता हूँ कि मुझे भी सरप्राइज़ मिला कि हमने जाना है अला मालिक, हम जा रहे हैं डिनर पे अला मालिक। तो आप जानते हैं अला मालिक में प्ले एरिया भी होता है, मुझे वहाँ पे जाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, यानी कि दिल करता है, मगर जाने नहीं देते क्योंकि मेरी एज बड़ी है। और अभी तक तो अभी आपको बताते हैं किसके साथ जाना है। अरसलान भाई, फिजान भाई और सैफ भाई के साथ हम जा रहे हैं। चलें चलते हैं। सैफ भाई उमरा करके आए हैं और उनसे हम मिलेंगे। चलें चलते हैं। यहाँ से हम निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं हर जगह लाइटिंग ही लाइटिंग है, और हर बिल्डिंग पर ही अपने हिसाब से लोगों ने लाइटिंग लगाई हुई है। ये सर यहाँ पर भी लाइटिंग है, यहाँ पर तो पूरी साइड पे ऐसा लग रहा है हर साइड पे, यहाँ पे इस साइड पर हर जगह लाइटिंग ही लाइटिंग है। देखें आप, आगे तक बिल्डिंग तक लाइटिंग ही लाइटिंग है, यहाँ पर भी लाइटिंग है। और ये मुझे सबसे ज़्यादा जो येलो कलर की लाइट है वो मुझे पसंद है, जैसे कि ये वाली, और ये देखें इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। और अभी तो आगे बहुत ज़्यादा है, अभी तो बहुत ज़्यादा लाइटिंग है। और ये है एक लाइटिंग, घर पे भी सजाया हुआ है, और यहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग पर भी लाइटिंग है। और आगे तो मैं सोच रहा था कितनी कम होगी, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हैं आगे। ये आगे तो मैं सोच रहा था मामा लैब पे भी होगी, मगर मामा लैब बंद था अफसोस से। और ये घर मुझे बहुत प्यारा लगा है, क्योंकि हर जगह लाइटिंग की लाइटिंग है। ईद मिलादुल नबी की खुशी में सब ने अपने घर में लाइट्स लगाई हुई हैं, और अभी तो आगे ट्रीज़ को भी लाइट्स लगी हुई हैं इनकी, देख सकते हैं यहाँ पर भी लगी हुई हैं। और ये देखिए ये वाली मैं कह रहा था, और यहाँ पर ट्रीज़, वाओ ये कितना ज़्यादा प्यारा है। यहाँ पर ट्रीज़ भी ऐसी सजाई हुई हैं, वो देखें आप, सजाया हुआ है पूरा, डेकोरेशन ही किया हुआ है। यहाँ पर भी पूरा डेकोरेशन है, यहाँ इस वाले ट्रीज़ पर भी पूरा डेकोरेशन। और ये मैं कब का सोच रहा था ये कब आएगा, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। और यहाँ से ये, क्योंकि वो सही तरह सजा हुआ था पूरा, हर जगह लाइट ही लाइट थी। और ये आगे लीजिए, पेट्रोल पंप आ चुका है, और यहाँ पेट्रोल फिल करवाते हैं। और यहाँ पे फैली दो गाड़ियाँ का रश है, और ये वाली गाड़ी हो गई, इसके आगे वाली नहीं हुई, शायद हो गई है, ए चले गई, अगली वाली गाड़ी नहीं हुई, इसने साइड से निकाली वाली गाड़ी में। बाबा साहब चलाते हुए, और यहाँ पर ये रहा पेट्रोल, देखते हैं कितने का डलवाना है, आगे चले गए। और ये बाबा के है, बाबा जब देखते हैं ना कैमरे की तरफ, बाबा सीरियस हो जाते हैं, ऐसा लगता है या फन करते हैं। यहाँ पर फाइनली हम अला मालिक पहुँच गए हैं। अला मालिक हमने यहाँ पे आगे पार्किंग कर ली है, और वो सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर भी अला मालिक फैमिलीज रेस्टोरेंट। तो अभी हम रोड क्रॉस करेंगे, फिर हम जाएंगे अला मालिक के अंदर। तो फाइनली अभी हम करते हैं रोड क्रॉस, अभी तो मैं आपको बोर्ड ही दिखा रहा हूँ, अब हम करेंगे रोड क्रॉस। चलें, हर देखें वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, और देखें ट्रैफिक था, और आहिस्ता आहिस्ता हमने करके रोड क्रॉस की, और अभी तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं रोड क्रॉस करके। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बलून्स भी हैं, और जो हमारे गेस्ट हैं, शायद मुझे लगा हाँ वो लेट हैं या हम लेट हैं, तो ये देखें वो देखें, मैंने हाथ का इशारा करके भी दिखाया, वो गेस्ट अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पर मैं अलहदा आ चुका था, क्योंकि मुझे गेस्ट के सामने, आपको तो पता है मुझे शर्म आती है व्लॉगिंग करते हुए किसी के सामने। और यहाँ पर मैंने पूरी डेकोरेशन दिखाई है, और यहाँ पर ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और ऊपर से वाओ, इसके अंदर जब लाइट लगी होंगी तो कितना ज़्यादा प्यारा लगेगा। और ये सारा यहाँ पे भी लाइट वगैरह, हमारे जो गेस्ट थे वो सारे कंप्लीट आ चुके थे। तो अभी तो हम वेट कर रहे थे नीचे, फिर हम ऊपर वाले हॉल में जाएंगे। तो अभी हमारा टाइम नहीं आया ऊपर वाले हॉल में जाने के लिए, क्योंकि अभी ऊपर वाले हॉल में रश है, अभी वहाँ पर स्पेस नहीं हमारे जाने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं,
अभी हमारी टाइम आ चुका है ऊपर जाने का हमारा टाइम, और अभी हम चल के ऊपर चढ़ रहे हैं। और मैं तो सोच रहा था ऊपर हम सोफ़ा में बैठेंगे, मगर हम पता नहीं कहाँ पे बैठे थे, मैं नंबर भूल गया था, नंबर सारे यानी कि सारे टेबल्स के नंबर थे ना। और अभी तो हम यहाँ से होके जा रहे हैं, मेरे सामने भाई सैफ है और यहाँ पर ये रहा हमारा टेबल। तो इन्होंने यह ऐसा किया कि दोनों दो टेबल थे इलाहदा इलाहदा, उन दोनों को जोड़ दिया, साथ कंबाइन कर दिया, तो ये पूरा एक फैमिली टेबल बन चुका था देखें। और ये तो अभी मैं मेन्यू पढ़ रहा हूँ, और ये रहा हमारे सामने मेन्यू। यहाँ पे लिखा हुआ है अला मालिक फैमिली रेस्टोरेंट। तो अभी तो मैं मेन्यू खोल के देख रहा हूँ क्या क्या है, और मैं पढ़ भी रहा था, और मैं सोच रहा था क्या मंगवाए, और मैंने सोच लिया था क्या मंगवाते हैं, मगर मैं छोटा था, मैं क्या मुझे क्या पता था कोई मेरी बात सुनेगा या नहीं। फिर मैंने बताया मैं जो थे मैंने कबाब खाने थे, क्योंकि मेरे आपको तो जानते हैं मेरा फेवरेट कबाब है। तो मैंने कहा तो यानी कि रियल में कबाब आ भी गए थे मेरे लिए, कबाब जो थे वो आ भी गए थे। और यहाँ पर मैं अभी तक मेन्यू ही पढ़ता रहा हूँ, मुझे लगा आइसक्रीम भी होगी, मगर आइसक्रीम है थी और चाय नहीं थी। चाय मुझे खाने के बाद पीने में चाय मज़ा आता है, और अभी तो मैं फुल और शर्मा रहा था, मैं फुल और शर्मा रही थी मुझे, और मैं ऐसे ही यहाँ पर लेकर चुप चुप करके बैठा हुआ था, मुझे फुल शर्म आ रही थी। और ये अरसलान भाई और ये फिजान भाई हैं, वो तो ऐसे ही बैठे हुए हैं मेन्यू देखते हुए। अभी यानी कि बारी बारी सबको मेन्यू मिलेगा, सारे चूज़ करेंगे क्या क्या लेना है। और ये गिफ्ट फाइनली हमारा खाना आ चुका है, और पहले हमारे पास खाने में है नान, कबाब, रोस्ट, चिकन चाउमीन, चिकन मंचूरियन, एग फ्राइड राइस। और यहाँ पर देखिए सारे अपनी प्लेट में खाना डाल रहे हैं, मैंने तो ये देखिए कबाब डाले हैं अपनी प्लेट में, और मैंने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि पहले मैंने ये सोचा था कि मैं कबाब मंगाऊंगा, तो ये देखिए इतने ज़्यादा कबाब आ चुके हैं, सब ने भी खाए थे। यहाँ पर हमारे पास दो कढ़ाई है, एक है अफ़गानी चिकन कढ़ाई और दूसरी है वाइट चिकन कढ़ाई। और देखें यहाँ पर हर चीज़ है, मुझे तो पहले ये रहा ब्रोस्ट, ये रहा ब्रोस्ट, और ये रहा कबाब, और ये रहे नान, और देखते हैं आगे क्या क्या अभी आ रहा है। और ये आ चुका है अलबेक, और ये ऐसा टेस्ट है, सही बात है, अलबेक जैसा टेस्ट आ रहा था इसका भी। और यहाँ पर सारी यहाँ पर भी खाया जा रहा है, और ये मेरी प्लेट है, और ये रही मेरी पेप्सी, और अभी तो मैं स्ट्रॉ था, स्ट्रॉ के साथ मैंने स्ट्रॉ डाल के वो पीना था। और यहाँ पर देख सकते हैं सारा खाना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सब ने खा लिया है। और ये रहे भाई सैफ, और ये मेरे बाबा, और ये अंकल अतीक बैठे हुए हैं यहाँ पर, और ये सारा हमने खा लिया है। हमने सोचा कि हम खाएंगे आइसक्रीम, मगर हमारा दिल कर रहा था कि हम पिए चाय, और अभी तो हम जाने वाले हैं चाय पीने। और ये भी हम उठ चुके हैं, और मैं फिर से व्लॉग बनाना शुरू कर दिया, और ये रहा मेन्यू, और चलें अब चलते हैं। ये रहा हमारा टेबल मेन्यू, ये रहा, ये हमारे टेबल के ऊपर फैनूस, यहाँ पर देखें इसकी वजह कितनी ज़्यादा लाइट हो चुकी है। और अभी तो हम जा रहे हैं चाय पीने, और अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, और देखें रश, देखें ट्रैफिक, यानी कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर, यानी ऐसा लगता है कि यहाँ पर सारी दुनिया यहाँ पर खाना खाने के लिए आ गई है। और यहाँ पर ट्रैफिक ही ट्रैफिक था, और अभी हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, मैं पीछे आ गया था कि गाड़ी पहले गाड़ी को रास्ता दो ना, कोई गाड़ी रुकेगी फिर हम जाएंगे। ये देखें अभी तक तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ही था, और अभी हम रोड क्रॉस करेंगे, और ये फिर से गाड़ी आ चुकी है। अभी ऐसा क्या है जब हम चलेंगे तो गाड़ी आ जाएगी, कभी हम पीछे होते हैं कभी आगे होते हैं, और ये गाड़ी यहाँ पे आके रुक गई, और हम पता नहीं कब हम
अब हाँ अब करेंगे हम रोड क्रॉस। ये लिए जी हमने पहला रोड क्रॉस कर लिया, अब दूसरा भी कर लें क्योंकि कोई गाड़ी नहीं आ रही। और ये ओके अल्लाह मालिक, बाय बाय, हम जा रहे हैं अब। हम ये रहा अल्लाह मालिक, पुलिस कार। तो अभी हमने खाना खा लिया और अल्लाह मालिक से निकल चुके हैं, अब हम जाएंगे चाय पीने। अरसलान भाई हमें न्यू जगह पे लेके जा रहे हैं, तो देखते हैं वहाँ की चाय कैसी है। टैक्सी पे चलो, हम पर फर्स्ट टाइम आए हैं इसलिए हम चाय पीते हैं, इधर की कैसी चाय होती है। इस्लाम भाई तो मुझे दिख चुके हैं, वो हमारे लिए हमारी यानी कि तीनों गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और इस्लाम भाई हमारे लिए पहले ही चाय लेके आ चुके हैं। चले अब मैं जाके देखता हूँ कैसी चाय बनती है, मगर चाय शायद मैं देखता हूँ जाके कैसी बनती है। और ये नहीं दिखा पाए, मैंने आपको नहीं दिखा पाया, पहले ही बन चुकी थी। और ये चाय लेके आए हैं इस्लाम भाई, ये मेरी बाबा को दिए और ये मेरी मामा की। और चले अब हम चलते हैं। अब अरसलान भाई कह रहे हैं कि चॉकलेट यानी कि आइसक्रीम किसने लेनी है, तो मैं तो जा रहा हूँ आइसक्रीम लेने। और चले आते हैं आइसक्रीम कौन सी लेनी है। और ये रहे फिजान भाई, और यहाँ से हम लेंगे आइसक्रीम। चले अब यहाँ से खोलते हैं और देखते हैं कौन सी हमने आइसक्रीम लेनी है। अभी तो मैं कह रहा था चॉकोबार लेते हैं, मगर मैं चॉकोबार अभी मेरा नहीं खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने एक फ्लिप्स ली और एक कॉर्नेटो दी चॉकलेट, दोनों चॉकलेट ही थी इसलिए फ्लिप्स तो मुझसे खाई नहीं गई, इतनी ज़्यादा चॉकलेट थी उसके अंदर। और ये मैंने कॉर्नेटो और एक चॉकलेट फ्लिप्स यानी कि निकाल ली। अब इसका हम बिल बनाते हैं, फिर हम यहाँ से चलते हैं। असलान भाई बिल बनाने के लिए अंदर गए हैं, मैं उनके पीछे पीछे। और ये अंदर से ऐसा है गैलेक्सी, और यहाँ से हम अपना बिल पे करेंगे, फिर हम जाएंगे यहाँ से ये बिल पे करेंगे, फिर हम जाएंगे अपनी गाड़ी की तरफ और फिर देखेंगे हम घर आएंगे, फिर हम घर आएंगे। और ये असलान भाई ने फिर बिल पे कर दिया। और चलें अब हम चलते हैं। और ये देखें अभी मैंने पकड़ लिया कॉर्नेटो और फ्लिस्ट, और चलें आए अब चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। और ये भाई ये दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था, एक हाथ से कैमरा एक हाथ से ये फ्लिस्ट और चॉकलेट, और ये मैंने दरवाज़ा खोल लिया। और चले चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ और अपना टेस्ट लेते हैं, चॉकलेट का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जल्दी से चलते हैं, और मैं तो जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। और ये रही हमारी गाड़ी, और जल्दी जल्दी बैठ के भी खाते हैं। मेरी बहन की थी कॉर्नेटो और मेरी फ्लिस्ट थी, और बाद में हमने चेंज भी की क्योंकि मेरे से फ्लिस्ट ना खाई जाए, इससे कॉर्नेटो ना खाई जाए, उसने मुझे कॉर्नेटो दे दी। मैंने कॉर्नेटो हाफ़ मेरी कॉर्नेटो थी और हाफ़ उसकी फ्लिस्ट थी, फिर मैंने हमें खा ली। और देख सकते हैं ये मैं बाहर खड़े होकर खा रहा हूँ, और मेरे से इतनी ज़्यादा चॉकलेट थी ना फ्लिस्ट के अंदर, वो भाई साहब बहुत ज़्यादा चॉकलेट थी फ्लिस्ट के अंदर, वैसे जैसे चॉकलेट से ही बनी है, पूरी चॉकलेट ही चॉकलेट होता है ना कोई। ये रही चाय का कप, देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। चलें अब घर चलते हैं, फिर मैं आपको घर जाके मिलता हूँ। तो फाइनली अभी हम घर पहुँच चुके हैं, और मैं उधर मैंने तो बहुत ज़्यादा पेट फुल करके खाया, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया उधर, मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और मैंने पेट फुल के खाना खाया। और मुझे सैफ भाई सैफ से मिल के बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और हमें गिफ्ट भी मिले हैं, और मुझे उनकी फैमिली से मिल के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और चले आप गिफ्ट दिखाते हैं, ये रहा वाओ। चले अब आपको सारे दिखाते हैं, मेरी सबसे फेवरेट है ये वाली, और किचन नहीं ये वाली, ये तो मेरी फेवरेट है। और ये क्या है, ये है तस्वीर, और ये जमजम का पानी, और हमें मिला है केक, और जो और ये मिला है हमें केक। हाय कितना यम्मी यम्मी लग रहा है, पर लिखा भी हुआ है लव एट फर्स्ट बाइट, यानी कि एक बाइट में ही आपको अच्छा लगेगा। और ये जो ऊपर दो पाइनएप्पल है वो बहुत प्यारे लग रहे हैं।
चलिए यहाँ तक ही मेरा व्लॉग था। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। ओके, सी यू नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।